बेलघाट थाने की पुलिस ने समूह एजेंट से लूट करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान आदर्श सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह उर्फ पहलवान सिंह निवासी रायपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर, दूसरा करण पुत्र महेंद्र निवासी छितौनी बुजुर्ग थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक मोबाइल, चोरी के 7,570 रुपए नगद बरामद किया गया है। एसपी साउथ ने बताया कि 11 अक्टूबर को ग्राम शाहपुर बेलाओं कंचन बरनवाल के घर के पास से समूह एजेंट से 1,96,305 रुपया व कंपनी का टैब व बायोमेट्रिक चार्जर छीन लिया तथा गाली गुप्ता देते हुए भाग गए थे। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हमारा 4 लोगों का एक गिरोह है, हम चारों लोग योजना बनाकर दिनांक 11 अक्टूबर को असलहे के दम पर ग्राम शाहपुर में समूह के एजेंट से करीब 1,90,000 रुपए की लूट किए थे, जिनको जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बेलघाट थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह, एसओजी प्रभारी मनीष यादव, उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक रमेश चंद्र कुशवाहा, उपनिरीक्षक आरिफ अली शेर, कांस्टेबल अखंड प्रताप सिंह, अजय कुमार यादव, संदीप कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, 11-22 को थाना क्षेत्र बेलघाट के गांव शाहपुर बेलाओं में एक कलेक्शन एजेंट के साथ लूटपाट की घटना हुई थी, जिसके आधार पर थाना बेलघाट पर तत्काल अभियोग पंजीकृत हुआ। इस घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी किया गया और तत्समय विस्तृत निर्देश दिए गए। जैसा कि आशंका थी कि इस घटना में कोई ऐसा व्यक्ति जो कलेक्शन एजेंट के बारे में जानता हो और ये भी जानता हो कि पैसे कहां कहां से इकट्ठा करता है, इसका रूट क्या है, उसके द्वारा इस घटना में भूमिका निभाई गई होगी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और परंपरागत मुखबिरी के प्रयास से इस घटना में करण नाम का एक व्यक्ति, जो कि अपनी माँ के समूह का पैसा प्रायः जमा करने इस कलेक्शन एजेंट के पास जाता था या यही उसे देता था पैसे अपने घर पर भी, उसने और आदर्श नाम के एक लड़के ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा। शंकर यादव और योगी नाम के दो व्यक्तियों के माध्यम से ये पूरी घटना कारित हुई। करण ने शंकर से सारी चीज़ें बताई, फिर शंकर योगी के साथ आया और उसने इस घटना को अंजाम दिया। उसके साथ साथ करण और आदर्श ये दोनों भी मोटरसाइकिल से पीछे पीछे बैकअप देने के लिए मौजूद थे। यदि किसी तरह की कोई बात होती है या आपके ओवरटेक करने के बाद वो पीछे मुड़ के भागना चाहता है तो पीछे से हम घेर लेंगे। इस आधार पे चारों का नाम प्रकाश में आया। पकड़े गए मुजरिमों ने इकबाल किया है, इनके हिस्से 30,000 रुपए आए थे, जिसमें से एक मोबाइल खरीदा गया, तो मोबाइल और लगभग 7,000 रुपए ये बरामद हो गए हैं। शुक्रवार को इन्हें और पैसा मिलना था, लेकिन अब मुझे लगता है इस भंडाफोड़ के बाद दूसरे दोनों मुलजिम फरार होंगे। पुलिस उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उनको गिरफ्तार करके और पूरे मुकदमे में विधिक कार्यवाही पूर्ण करके आगे विधि के अनुरूप रजिस्टर एक्ट में भी कार्यवाही की जाएगी।